हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है कि जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में देखा था कि हम किसी भी न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर रहे थे और उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही थी, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस थी। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसके बिल्कुल रिवर्स है। यहाँ पे किसी न्यूट्रल गैसियस एटम के अंदर, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, ठीक है। न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं और जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, और उस रिलीज्ड एनर्जी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोला जाता है। दोनों वर्ड एक दूसरे के लिए यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनके अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों वर्ड के अंदर, जो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो सबसे पहले, जैसे ये हमारे पास कोई न्यूट्रल गैसियस एटम है, इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ये नेगेटिव बन जाता है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो एक एनायन बन गया है। अब ये एनायन बना है और साथ में यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब कोई भी न्यूट्रल गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एनायन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और एनर्जी रिलीज होती है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन का एटम है। एटम मैंने बताया कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ मोलिक्यूल की बात नहीं हो रही, एक आइसोलेटेड क्लोरीन का एटम है, उसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है एक सिंगल एटम के अंदर, और ये कौन सी स्टेट में है, गैसियस स्टेट के अंदर है, ठीक है। और ये क्लोराइड Cl नेगेटिव बना है, ये भी गैसियस स्टेट के अंदर है। तो जब क्लोरीन के एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो यहाँ पे 349 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई, 349 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे कितनी हो गई, 349 किलो जूल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए चाहत होना, किसी चीज़ के लिए चाहत होना या किसी चीज़ के लिए चाह रखना, उसको बोलते हैं एफिनिटी। ये एफिनिटी वर्ड का हिंदी में मतलब है किसी चीज़ के लिए चाहत रखना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बताता है, किसी भी एटम के अंदर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का चाहत रखता है या नहीं रखता है, उस चीज़ के बारे में ये बताता है। तो यहाँ पे जब क्लोरीन के एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है, यहाँ पे क्लोराइड नेगेटिव बन गया है, तो कहने का मतलब क्लोरीन का जो एटम था उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो इलेक्ट्रॉन की चाहत थी एक इलेक्ट्रॉन के लिए और वो चाहत पॉजिटिव थी। अब इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया ना, तो इलेक्ट्रॉन लेने का उसकी चाहत थी, उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जो डेल्टा एच है, इस प्रोसेस के लिए जो डेल्टा एच है, एनर्जी तो यहाँ पे रिलीज हुई है ना, एनर्जी यहाँ पे क्या हुई है, रिलीज। तो इस प्रोसेस के लिए जो डेल्टा एच है वो तो क्या होगा, -349 किलो जूल। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, -349 किलो जूल। ये अभी परमोल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे, जैसा कि एनर्जी रिलीज हुई है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच क्या होगी, -349 किलो जूल। तो ये डिफरेंस को अभी समझना आपके लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो सिर्फ और सिर्फ एटम के बारे में ये बताता है कि उस एटम का इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी है या नहीं। अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो एटम की इलेक्ट्रॉन की के लिए जो एफिनिटी है वो पॉजिटिव है, एटम चाहता है कि उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो सिर्फ और सिर्फ एटम की चाहत के बारे में बताता है कि एटम को इलेक्ट्रॉन चाहिए या नहीं चाहिए। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये बताता है कि जब
कोई एटम इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो इलेक्ट्रॉन को जब वो एटम लेता है तो उस प्रोसेस के अंदर कितनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, या कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है, तो उसको बताता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इस प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रॉन अब क्लोरीन के एटम ने गेन कर लिया है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हमारी हो गई पॉजिटिव, लेकिन इस प्रोसेस जब क्लोरीन के एटम ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो वहाँ पे एक एनर्जी रिलीज हुई है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, -349 किलो जूल, क्योंकि इतनी एनर्जी रिलीज हुई है जब क्लोरीन के एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बीच में। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर ये वाला पॉजिटिव होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और पॉजिटिव के साथ जब ये नेगेटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। जब जैसे हमारा एक न्यूट्रल गैसियस एटम है, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया तो ये एनायन बन गया और ये एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो गई। तो पहले वाले जो जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। इस ए एटम की इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत थी, ए एटम को इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो पहली जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो पॉजिटिव हो गई। और ये प्रोसेस कैसी होगी, एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें एनर्जी यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में रिलीज हुई है। लेकिन जब इस नेगेटिव आयन के अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया तो यहाँ पे जब ये जो ए टू नेगेटिव बना, ये एनायन बना, तो यहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ी। जब नेगेटिव एनायन के अंदर जब हमने इस एनायन के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो एनर्जी यहाँ पे हम दे रहे हैं, ठीक है, और तब जाके हमारे पास ए टू नेगेटिव बना है, तो यहाँ पे एनर्जी हमें देनी पड़ रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। और ये प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर यहाँ पे नेगेटिव होगी तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। इसीलिए एनर्जी हमने यहाँ पे देनी पड़ी है। अब इसके अंदर फिर से ए टू नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो फिर से हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके हमारा ए थ्री नेगेटिव बनेगा। और ए थ्री नेगेटिव क्योंकि अब इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी हमने देनी पड़ी है, तो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, नेगेटिव। और प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पॉजिटिव तभी कहेंगे जब एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है इजीली, और एक्सेप्ट करने के बाद एनर्जी रिलीज हो रही है। प्रोसेस कैसी है, फेवरेबल है, कि एटम ने जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई तो एटम मतलब स्टेबल बना, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले वाला जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी या पहला जो इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी पॉजिटिव थी, लेकिन जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया या जब थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी नेगेटिव हो गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब देखो हमने पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, एनायन। जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया इस न्यूट्रल एटम के अंदर तो ये क्या बन गया, एनायन बन गया। अब एनायन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो अब इस नेगेटिव चार्ज एनायन के अंदर हम नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को ही ऐड कर रहे हैं, ये जो है एनायन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन सा ऐड कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो इसीलिए जब ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ऐड होगा तो जैसा कि एटम के अंदर भी नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो जब सेम चार्ज के ऊपर दूसरा सेम चार्ज ऐड करेंगे तो वहाँ पे रिपल्सन होगा, तो प्रोसेस फेवरेबल नहीं होगी। लेकिन फिर भी हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो साथ में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, और उस वर्क की फॉर्म में हमें एनर्जी यहाँ पे सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि एटम को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए था, ये जो एनायन था इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए था, इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, लेकिन फिर भी हमने जबरदस्ती उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया है, ठीक है,
तो उस प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ी। इसीलिए ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया है वहाँ पे ये प्रोसेस एंडोथर्मिक बन जाती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी नेगेटिव होती है कि इस एनायन को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और एनायन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। सेम इस केस में होगा जब इस A2 नेगेटिव के अंदर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो इसको भी इसके ऊपर जैसा कि नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये नहीं चाहेगा कि इसके पास दूसरा नेगेटिव चार्ज आए, तो इसीलिए यहाँ पे ये प्रोसेस भी फेवरेबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन इस A2 नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए भी हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा और उस वर्क को करने के लिए हमें एक एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए ये प्रोसेस कैसी होती है, एंडोथर्मी। तो ये रीज़न होता है कि जो पहली इलेक्ट्रॉन जो ऐड होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है, लेकिन बाकी केसेज में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स, कि कौन कौन से फैक्टर के ऊपर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है। सबसे पहला है साइज ऑफ द एटम, कि एटम का साइज जितना स्मॉल होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। अब ऐसा क्यों होता है कि जैसे देखो ये हमारे पास कोई एटम है, ठीक है, और एक हमारे पास ये एटम है, इसका साइज ये बड़ा है इस एटम का, ये न्यूक्लियस है हमारा, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। तो जब एटम का साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे ऐड हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हुआ है, तो जब एटम का साइज छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। जब डिस्टेंस कम है न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया उसके बीच में, तो यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऐड किया है ये एटम के अंदर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस की तरफ, और ये प्रोसेस हमारी फेवरेबल हो जाएगी कि जब साइज छोटा होता है एटम का और उसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो जिस इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड किया है वो न्यूक्लियस की तरफ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होगा, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उस केस में हमारी ज़्यादा होगी। लेकिन जब यहाँ पे एटम का साइज बड़ा है और इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया है तो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है जिस इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड किया है उसमें और न्यूक्लियस में, तो जब ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जिस इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड किया है वो न्यूक्लियस की तरफ अच्छे से अट्रैक्टेड नहीं होगा, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड नहीं हो पाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी क्या होगी, कम होगी उस केस में। इसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि जितना ज़्यादा हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे इस एटम के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है, इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है, अगर इस एटम के अंदर न्यूक्लियर चार्ज हमारा 15 है, इस एटम के अंदर अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 15 है तो इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड किया, ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर ये 15 के बजाय अगर न्यूक्लियर चार्ज हमने 30 कर दिया तो अब इस न्यूक्लियस और ये जो इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया है इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो हमने ऐड किया है ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस की तरफ और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होता है उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। इसके बाद अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ द एटम।
इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इन द एटम, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इन द एटम, कि जिस एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का क्या अरेंजमेंट है, इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब कैसे डिपेंड करती है, कि जिस एटम के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, अगर वो एटम के अंदर हमारी जो सेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है ऑलरेडी, फॉर एग्जाम्पल हम नियोन का लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6 है। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है नियोन के अंदर ये कम्प्लीटली फिल्ड है, ये कम्प्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब नियोन के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहेंगे तो ये कभी भी नहीं बनेगा, नियोन नेगेटिव कभी भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये काफ़ी स्टेबल है, तो नियोन के अंदर ऑलरेडी एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो नियोन कभी भी नहीं चाहेगा कि ये अपनी इस कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी को छोड़ के कोई दूसरी कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले, क्योंकि नियोन के अंदर कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस वजह से नियोन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो जीरो होती है, नियोन कभी भी नहीं चाहेगा कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे और उसकी ये जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो डिस्टर्ब हो जाए। तो ये तो हमने देख लिया कि जब भी एलिमेंट्स की, जब भी एटम के अंदर कम्प्लीटली फिल्ड हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी नियरली ज़ीरो होती है। अगर हम नाइट्रोजन का केस देखें तो नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p3, तो नाइट्रोजन की ये कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से होती है, ये 2s में 2 और 2p के अंदर ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब इस 2p के अंदर ये 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम यहाँ पे कोई फोर्थ इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, अगर यहाँ पे फोर्थ इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे नाइट्रोजन में, तो ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन इस टाइप से यहाँ आएगा। तो पहले जो 2p के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड थी, लेकिन जब ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ ऐड कर दिया तो ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो ख़त्म हो जाएगी। और जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो एग्जैक्टली हाफ फील्ड या फिर कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। जिस भी एटम के पास एग्जैक्टली हाफ फील्ड या फिर कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो एटम कभी भी ना तो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा ना इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के गेन करने से या इलेक्ट्रॉन को लूज करने से उनकी जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो ख़त्म हो जाती है और इसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसे केस में जब भी हमारी कम्प्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो या एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियरली ज़ीरो होती है। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, तो वहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन को स्टडी किया था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है उसके बारे में स्टडी किया था। तो कंप्लीट हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। अभी आज के क्लास में हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं या किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज की वैल्यू में क्या वेरिएशन आता है। तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं अलोंग ए पीरियड, कि जब किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम लेफ्ट एलिमेंट से राइट साइड के एलिमेंट की तरफ मूव करेंगे किसी पीरियड में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हमारी ओवरऑल इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे ओवरऑल वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बीच में कुछ वेरिएशन होता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि लेफ्ट से राइट जब हम किसी भी पीरियड में मूव करते हैं तो वहाँ पे एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वहाँ पे ओवरऑल इंक्रीज देखने को मिलता है।
अब इस इंक्रीज होने के पीछे क्या रीजन होता है कि जैसे हमने पीरियोडिक टेबल की स्टार्टिंग क्लासेज में हमने देखा था कि जब हम लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज हमारा डिक्रीज हो जाता है, और कल की क्लास में हमने देखा था कि जब एटॉमिक साइज हमारा डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब एटॉमिक साइज हमारा डिक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा, अब न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को टाइटली अपनी तरफ होल्ड करके रखेगा, उस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा और उतनी ही ज़्यादा हमारी एनर्जी रिलीज होगी इस प्रोसेस में, इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाली प्रोसेस में। इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है विद डिक्रीज इन एटोमिक साइज। तो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज हो जाता है एटम का, और साइज क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि जब लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ये भी हमने प्रीवियस क्लासेज में देखा है। तो अब यहाँ पे जब हमारा साइज एटम का डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, तो इसकी वजह से एटम की टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाती है, एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए इंक्रीज हो जाती है, और ओवरऑल हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो भी हम देखते हैं, जैसे हम सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को देख रहे हैं कि जब हम लिथियम से सेकंड पीरियड हमारा लिथियम से स्टार्ट होता है न्यून पे ख़त्म होता है, जब लेफ्ट साइड से हम राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम वैल्यू देखें तो लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है 59.8। ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये सब किलो जूल पर मोल में है, इनकी यूनिट क्या है, किलो जूल पर मोल। तो लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 59.8 किलो जूल पर मोल होती है, लेकिन लिथियम से जब बेरिलियम पे जाते हैं तो बेरिलियम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो अप्रोक्सीमेटली या नियरली ज़ीरो होती है। अब बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़ीरो क्यों होती है या नियरली ज़ीरो क्यों होती है, क्योंकि कल की क्लास में हमने देखा था कि बेरिलियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है वो कम्प्लीटली फील्ड सेल में होता है, इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है वहाँ पे सेल हमारी कम्प्लीटली फील्ड होती है। स्पेसिफिकली बेरिलियम के देखें तो बेरिलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो होती है 1s2 2s2। तो अब ये जो सेकंड वाली ये जो सेल है 2s है ये कम्प्लीटली फिल हो चुका है, और हमने देखा था कि जब भी हमारी सेल कम्प्लीटली फील्ड होती है ठीक है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी एटम की डिक्रीज हो जाती है, इसीलिए बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे ज़ीरो होती है, क्योंकि ये 2s कम्प्लीटली फिल्ड हो गया है। ये जो 2s है इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए हैं। अभी ये अरेंजमेंट हमारा कैसा है, स्टेबल है। अब अगर 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है, ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 2p में आता है तो अभी ये अनस्टेबल बन जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2p के अंदर। तो ये कल की क्लासेज में हमने स्टडी कर लिया है कि जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है इस टाइप से, क्लोज्ड होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नियरली ज़ीरो होती है। तो बेरिलियम के बाद जब हम यहाँ पे बोरोन के पास आए हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू 83 हो गई है, ठीक है, कि लेफ्ट से जब इधर आए हैं तो ये 83 हो गई है, कार्बन पे ये 127 हो जाती है, नाइट्रोजन पे अगेन ये 0 हो जाती है। नाइट्रोजन के लिए भी हमने देखा था कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 2s2 2p3 होता है, और कल की क्लास में हमने बताया था कि एग्जैक्टली हाफ फील्ड और एग्जैक्टली जो कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है किसी भी एटम के लिए, तो उस एटम की टेंडेंसी ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, क्योंकि अगर वो एटम ऐसा करता है तो उसकी स्टेबल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो नाइट्रोजन के लिए अगर देखें तो नाइट्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इस टाइप से होती है कि ये 2s और इधर हमारा ये 2p है, 2p के अंदर ये इस टाइप से तीन इलेक्ट्रॉन है, तो 2s 2p 2s हमारा कम्प्लीटली फील्ड है, लेकिन जो 2p है वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का,
ठीक है, अगर नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये जो एग्जैक्टली हाफ फील्ड वाली कॉन्फ़िगरेशन थी 2p के अंदर, अब वो डिस्टर्ब हो गई। अब 2p के अंदर ना तो ये कम्प्लीटली फील्ड है ना ही ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, और हमने बताया कि एग्जैक्टली हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल होती है। इसीलिए ये जो नाइट्रोजन होता है ये ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो होती है, ठीक है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है ये स्टेबल है। अब नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन के ऊपर हम मूव करेंगे तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 141 किलो जूल पर मोल होती है। ऑक्सीजन के बाद जब फ्लोरीन पे जाएंगे तो ये ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और वैल्यू होती है 327 किलो जूल पर मोल। लेकिन नियोन पे जब हम जा रहे हैं तो नियोन के अंदर नियोन एक नोबल गैस है, नियोन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी अप्रोक्सीमेटली जीरो होती है, या नियोन के केस में तो हम स्पेसिफिकली बोल सकते हैं कि नियोन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ये अप्रोक्सीमेटली नहीं, ये एग्जैक्टली इक्वल होती है, सॉरी एग्जैक्टली जीरो होती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, सिर्फ नियोन के लिए नहीं, अभी हम आगे देखेंगे कि सभी नोबल गैसेज के लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नोबल गैसेज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है वो क्लोज्ड अरेंजमेंट होता है, ये जो सेल होती है ये कम्प्लीटली क्लोज्ड होती है, ठीक है, कम्प्लीटली फील्ड होती है। जैसे नियोन की बात करें तो नियोन में 2s2 2p6 होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जब इस टाइप का अरेंजमेंट होता है तो ये काफ़ी स्टेबल होता है। ये अरेंजमेंट कैसा है, ये काफ़ी स्टेबल है, और स्टेबल अरेंजमेंट होने की वजह से अब नियोन इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा, क्योंकि अगर नियोन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसका ये जो अरेंजमेंट है स्टेबल ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इसीलिए नियोन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो ज़ीरो होती है। तो अभी हमने क्या देखा कि जब हम सेकेंड पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी क्या हो गई है, इंक्रीज। लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी वो 59.8 थी और राइट साइड में इधर 327 है। तो मैंने वर्ड यूज किया कि ओवरऑल इंक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बट वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे एक बेरिलियम का हो गया, नाइट्रोजन का, और एक नियोन का, और इन एक्सेप्शंस के बारे में हमने लास्ट क्लास में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि ऐसा क्यों होता है। तो वैसे तो मैंने यहाँ पे भी बता दिया है, ठीक है, बाकी आप पिछली क्लास को देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब किसी भी ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या वेरिएशन आता है, तो अभी हम देखते हैं इन ए ग्रुप। अब हमें पता है कि जब हम किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो एटम का साइज़ क्या होता है, वहाँ पे इंक्रीज होता है। अब एटम का साइज़ इंक्रीज हो जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं और न्यूक्लियस है उसके बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे न्यूक्लियस जिस इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे जो रिलीज है एनर्जी का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा तो वहाँ पे एनर्जी का जो रिलीज होगा वो कम होगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी कम होगी। तो टॉप से बॉटम जब हम जाते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज हो जाता है, जब एटम का साइज इंक्रीज हो जाता है तो एटम की इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो भी एटम के साइज इंक्रीज होने की वजह से डिक्रीज हो जाती है। लेकिन ये जो हम ट्रेंड पढ़ रहे हैं कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे किसी भी ग्रुप के अंदर तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, जैसे अभी अगर हम ये देखें हेलोजन के केस में कि ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड दिस वन इज आयोडीन, कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे
सॉरी कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। लेकिन क्या होता है कि जब हम फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है डिक्रीज होने के बजाय। लेकिन ये सिर्फ हेलोजन के केस में नहीं होता है, ये ग्रुप 15 में नाइट्रोजन वाले ग्रुप में, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन वाले ग्रुप में और ग्रुप 17 जो हेलोजन है उसके केस में भी ऐसा होता है कि जो सेकंड वाला एलिमेंट होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट वाले एलिमेंट से ज़्यादा होती है। कि जैसे फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन और क्लोरीन को हम कंपेयर करते हैं तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, जबकि हमने ये पढ़ा है कि हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी, सॉरी डिक्रीज होगी। कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी डिक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो सेकंड वाले एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट वाले एलिमेंट से ज़्यादा है? तो ये जो एक्सेप्शन है इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज हमारा छोटा होता है, और अगर हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन को देखें तो सेकंड पीरियड के अंदर इन एलिमेंट्स का जो साइज होता है वो सबसे छोटा होता है। अब क्या होता है कि जैसे कि इन एलिमेंट्स का साइज सबसे छोटा है सेकंड पीरियड के अंदर, और इन एलिमेंट्स के अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, जब हम इनके अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो इन एटम के अपने पहले वाले इलेक्ट्रॉन और जिस इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड किया है वो इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में रिपल्सन होना शुरू हो जाता है क्योंकि साइज क्या है एटम का छोटा है। तो जो इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे वो इलेक्ट्रॉन और एलिमेंट जो है हमारा जो एटम है उसके खुद के इलेक्ट्रॉन उनके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने लग जाती है, और ये रिपल्सन बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से जो एटम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वो डिक्रीज हो जाती है, और जब एटम की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो गई तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फ्लोरीन को देखते हैं कि फ्लोरीन के अंदर ये जो बाहर वाली सेल है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके अंदर हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जैसे ये होता है 2s2 2p5। अब इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया है तो इस इलेक्ट्रॉन में और बाकी ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इनके बीच में रिपल्सन होने लग जाएगी। अब रिपल्सन क्यों हो रही है, क्योंकि तो फ्लोरीन का साइज काफ़ी छोटा है और ये जो हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं ये आपस के अंदर रिपल्सन करने लग जाएंगे, पहले के जो इलेक्ट्रॉन है वो और जिस इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड किया उसके बीच में रिपल्सन होने लग जाएगी, और इस रिपल्सन की वजह से इस फ्लोरीन एटम की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद अभी हम देखते सेम ऐसा ही ऑक्सीजन के केस में होगा कि ऑक्सीजन का साइज हमारा छोटा होता है सल्फर से, ठीक है, तो ऑक्सीजन के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगी, लेकिन सल्फर का साइज बड़ा है तो सल्फर में जब इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देते हैं तो उसका साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन नहीं होती है, क्योंकि साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन नहीं होगी। तो इसीलिए हमारा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के केस में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में से फॉस्फोरस का साइज बड़ा है नाइट्रोजन का साइज छोटा है, तो नाइट्रोजन में भी जब इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, लेकिन फॉस्फोरस का साइज बड़ा है उसमें जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन नहीं होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी हाई रहती है। इसके बाद अभी हम देखते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो नोबल गैसेज होती है उनकी जीरो होती है। नोबल गैसेज कौन कौन सी होती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन।
तो ये नोबल गैसेज जो हैं इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो क्यों होती है? जैसा कि हमने पहले एक्सप्लेन किया है कि नोबल गैसेज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है वो स्टेबल होता है, कम्प्लीटली फील्ड सेल होती है, और इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है वो स्टेबल होता है। और नोबल गैसेज नहीं चाहती कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स का जो स्टेबल अरेंजमेंट है उसको डिस्टर्ब करें, इसलिए नोबल गैसेज की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो ज़ीरो होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हेलोजन्स की अगर हम देखते हैं तो काफ़ी हाई होती है। अब हेलोजन्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई क्यों होती है? क्योंकि हेलोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, हेलोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है उसके अंदर NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन होती है, और इस अरेंजमेंट में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें तो हेलोजन्स का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी स्टेबल बन जाएगा। हेलोजन्स का जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है उस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को स्टेबल बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। जैसे कि ये NH2NP6 है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये बन जाता है NH2NP6। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देंगे तो ये जो अरेंजमेंट है ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बन जाएगा, और जिस भी एटम के पास ये अरेंजमेंट होता है वो एटम स्टेबल होता है। तो इसीलिए हेलोजन्स भी चाहती हैं कि उनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसा हो, स्टेबल हो। इसीलिए हेलोजन्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की काफ़ी हाई रहती है, और हेलोजन्स ईजिली एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है और स्टेबल अरेंजमेंट अपना बना लेती है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो इसीलिए हेलोजन्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफ़ी हाई होती है। अब एग्जाम्स में कई बार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से एक टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, वो इस टाइप से आता है कि किसी एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको दे दी जाती है और उसके बाद आपसे उस एटम का एक गिवन वेट रहेगा और इतने वेट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी वो पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लोरीन के एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 349 किलो जूल पर मोल है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी अगर 3.5 ग्राम क्लोरीन को हम कन्वर्ट करते हैं क्लोराइड नेगेटिव आयन में इन गैसियस स्टेट। तो वैसे तो ये क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से होना चाहिए था, हम स्पेसिफिकली ये नहीं कह सकते कि भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड का यूज हो रहा है तो हम यहाँ पे इसके अंडर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जब क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये क्लोराइड नेगेटिव बना, और यहाँ पे एनर्जी कितनी रिलीज हुई, 349 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को देखें तो ये क्या है कि यहाँ पे 1 मोल पर मोल रिलीज हुई है, तो यहाँ पे 1 मोल क्लोरीन एटम ने 1 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन किया और 1 मोल क्लोराइड आयन यहाँ पे बना, और एनर्जी कितनी रिलीज हुई, 349 किलो जूल, क्योंकि ये पर मोल में है, इसीलिए ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, और ये भी 1 मोल है। अब हमें क्या निकालना है कि 3.5 ग्राम अगर क्लोरीन लेते हैं हम तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो अब ये 1 मोल क्लोरीन को हम 35.5 ग्राम भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मोल क्लोरीन का जब एटम होता है तो उसका वेट कितना होता है, 35.5 ग्राम। तो अब हमारा यहाँ से इक्वेशन ये बन जाती है कि जब 35.5 ग्राम क्लोरीन ने 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिए तो एनर्जी कितनी रिलीज हुई, 349 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे 35.5 ग्राम क्लोरीन के एटम से जब हम क्लोराइड नेगेटिव बनाते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे 349 किलो जूल। ठीक है, अगर 1 ग्राम क्लोरीन को क्लोरीन नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी रिलीज होगी, 349.35.5। और अगर यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 3.5 ग्राम क्लोरीन हम लेंगे तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, 349 डिवाइड बाय 35.5 इंटू 3.5। ठीक है, तो अब यहाँ पे
इसको हम सोल्व कर देंगे, ये अप्रोक्सीमेटली ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे 10 और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी 34.9 किलो जूल। तो इस टाइप से जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में सिर्फ इतना ही था, तो हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को यहाँ पे कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के बारे में।